आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो, दो नंबर का रेशियो 3:5 दे रखा है, ठीक है। अब इस दोनों नंबर्स में से जब 9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो फिर रेशियो बन जाता है 12:23, ठीक है। अब फिर बोला गया कि यदि इसमें 7 ऐड कर दिया जाए छोटे नंबर में से और 7 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए दूसरे नंबर में से, तो फिर रेशियो क्या आएगा। हमें रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:5। सो हम नंबर्स को लेट कर लेते हैं, 3x एंड 5x किया जा सकता है। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 9, 3x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 9, तो फिर ये किसके बराबर होता है, 12:23, ये दे रखा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 23 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 11। देन अब नंबर क्या हो जाएंगे, 3x हो जाएगा 3 × 11 यानी कि 33, और 5x हो जाएगा 5 × 11 यानी 55, ठीक है ना। अब पूछा क्या क्या है कि अब इसमें 7 ऐड कर दिया जाए और 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ऐड किया जाएगा स्मॉल नंबर में और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा बड़े नंबर में, ठीक है। तो फिर रेशो क्या है, सो न्यू नंबर्स क्या हो जाएंगे, विल बी 33 + 7 and 55 - 7, तो फिर ये तो हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 48, ठीक है। तो फिर इन दोनों का रेशो क्या हो जाएगा, 40 / 48 वो 10, 4, 12, 2, 5, 2, 6, 5 ratio 6. So this is the final answer. So the option A is the correct answer. Class 6 to 12 से लेके नीट IIT JEE mains और advanced के level तक 10 million से ज्यादा students का भरोसा। आज ही download करें DoubtNet app या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8400400400 पर।